सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन, जिसको हमने नया नाम दे दिया है फ्री कंसेप्ट, और ये आगे से फ्री कंसेप्ट के नाम से ही आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन हमने हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर 2018 से लिए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक है। वीडियो के अंत में आपसे गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो यानी टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 4 के गोल्डन क्वेश्चन की और आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, माहुआंग इज द सिनोनिम फॉर ऑप्शन ए कन्वलवुलस माइक्रोफाइलस, ऑप्शन बी पिकोराइजा कुरो, ऑप्शन सी एफेड्रा सिनिका एंड ऑप्शन डी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर दिया था और इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यानी कि एफेड्रा सिनिका। फ्रेंड्स, एफेड्रा सिनिका और चाइनीज एफेड्रा या फिर माहुआंग, इसकी फैमिली होती है एफेड्रेसी या ग्रेनेक्टेसी एंड इट इज जिम्नोस्पर्म श्रब विथ स्मॉल स्केली लीव्स। फ्रेंड्स, एफेड्रा इज यूज्ड इन अस्थमा एंड वूपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेक्ड विथ वाटर इज, यानी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट इनमें से कौन सा है जिसको पानी के साथ में डाल के शेक करने से, हिलाने से वो जाग देता है। ऑप्शन ए फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी रेजिन एंड ऑप्शन डी सपोनिन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि सपोनिन। फ्रेंड्स, द नेम सपोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेपो, जिसका मतलब ही होता है साबुन, यानी विच मीन सोप, बिकॉज सेपोनिन मॉलिक्यूल फॉर्म सोप लाइक फॉर्म्स व्हेन शेकन विथ वाटर। ये जब भी पानी के साथ में डाल के शेक किया जाते हैं, हिलाए जाते हैं, तो ये साबुन की तरह जाग देते हैं, इसीलिए इनका नाम सपोनिन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, इनमें से सीफेलिन किसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी किसमें मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए टेरोकार्पस, ऑप्शन बी कोल्चिकम, ऑप्शन सी इपेकाक एंड ऑप्शन डी पुनर्नवा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि इपेकाक। फ्रेंड्स, सीफेलिन इज एन एल्केलॉइड दैट इज फाउंड इन सीफेलिस इपेकाकुआना एंड अदर प्लांट्स स्पेसीज इंक्लूडिंग साइकोट्रिया एक्यूमिनाटा। तो इसके अंदर आपका सीफेलिन पाया जाता है, ये एक प्रकार का एल्केलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेन एसिड विथ पेनिसिलिन रिजल्ट इन, यानी प्रोबेन एसिड को जब कभी भी पेनिसिलिन के साथ में एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, पेशेंट को दिया जाए, तो क्या होगा। ऑप्शन ए प्रोबेन एसिड इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन बी प्रोबेन एसिड डिक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेन एसिड एंड ऑप्शन डी पेनिसिलिन डिक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेन एसिड। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि प्रोबेन एसिड डिक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। फ्रेंड्स, प्रोबेन एसिड इज समटाइम्स यूज्ड एलोंग विथ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, नेपसिसिलिन, इनके साथ में ये यूज में लिया जाता है टू इंक्रीज एंटीबायोटिक ब्लड लेवल। इसके साथ में यूज में लेने की वजह से एंटीबायोटिक का ब्लड लेवल बढ़ जाता है एंड दिस इंक्रीज मेक्स द एंटीबायोटिक वर्क बेटर एट ट्रीटिंग सर्टेन इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, प्रोबेन एसिड वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द किडनीज एबिलिटी टू रिमूव द एंटीबायोटिक फ्रॉम द बॉडी। इसका जो मेन काम रहेगा, जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, वो ये है कि इट इनहिबिट ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, क्योंकि जब कभी भी पेनिसिलिन एक्सक्रेट आउट होता है तो ये इसका जो मेन पाथ वो होता है, वो है ट्यूबुलर सेक्रेशन के द्वारा। और प्रोबेन एसिड अगर पेनिसिलिन के साथ में दिया जाएगा तो ये दोनों आपस में कम्पीट करेंगे एसिडिक जो भी पंप है उससे बाहर निकलने के लिए, और वहाँ पर प्रोबेन एसिड पहले बाहर निकल जाएगा और पेनिसिलिन बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रोबेन एसिड खुद एक्सक्रेट आउट हो जाएगा और पेनिसिलिन को एक्सक्रीशन होने से रोकेगा। देयरफॉर दिस डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमीनो एसिड है? ऑप्शन ए फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन बी टायरोसिन, ऑप्शन सी एलेनिन एंड ऑप्शन डी आर्जिनिन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि फिनाइल एलेनिन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एसेंशियल अमीनो एसिड की तो ये जनरली 10 टाइप्स के होते हैं और इनको लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है टीवी मिल पाथ, यानी इन 10 अल्फ़ाबेट से ही आपके सारे के सारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम आ जाएंगे और वो इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टी, टी फॉर थ्रियोनिन, वी फॉर वेलिन, एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन एंड एल फॉर लाइसिन। इसी तरीके से P फॉर फिनाइल एलेनिन, A फॉर आर्जिनिन एंड T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड लास्ट H फॉर हिस्टीरिन। तो फ्रेंड्स ये आपके 10 एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। और फ्रेंड्स एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ये हो गया कि ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें इनको बाहर से यानी आउटर सोर्स से बॉडी में लेना रहता है, यानी हमारी बॉडी के लिए आउटर सोर्स से लेना इनको एसेंशियल है, इसीलिए इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड में से भी 2 अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल कहलाते हैं और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके नाम है हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवेल्युएशन, यानी अगर हम किसी ड्रग का फीचर्स देखें तो वो कौन से मेथड ऑफ इवेल्युएशन के अंदर आएगा, यानी ये आपका फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए ऑर्गेनोलैप्टिक, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी केमिकल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। फ्रेंड्स अगर हम ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो इट मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेज, यानी जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ सेंसेज होते हैं 5 उनको यूज करते हुए अगर हम किसी ड्रग की पहचान करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। फ्रेंड्स इट रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, यानी हम आंखों से उसका कलर देख सकें, इसी तरीके से ऑर्डर, नाक से उसको सूंघ सकें, टेस्ट उसको चख के बता सकें, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच, टेक्सचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 4th स्टेज या फिर लो स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन बी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऑप्शन सी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एंड ऑप्शन डी लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारा डेमोग्राफिक साइकिल होता है, जननांकीय साइकिल, उसके अंदर जो 4th स्टेज आती है जिसे हम लो स्टेशनरी स्टेज कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी उसके अंदर लो बर्थ रेट रहती है एंड हाई डेथ रेट रहती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में तो इट हैव 4 स्टेजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे पहली स्टेज रहती है उसे हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी फेज एंड इट मार्क्ड बाय हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स एंड रिलेटिवली लो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज कम रहेगी, उसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी और डेथ रेट भी ज़्यादा होगी, तो वो आपकी स्टेज कहलाएगी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज होगी, उसके अंदर अनइवन पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी शहरीकरण होने की वजह से गांव के लोग शहरों में आना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, उसे हम बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। नेक्स्ट बात करें थर्ड फेज की तो यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रेट्स आर मच लोअर रिजल्टिंग इन ए रिलेटिवली स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी दोनों ही चीज़ें कम रहेगी, जन्म दर भी कम रहेगी और मृत्यु दर भी कम रहेगी, और यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रहे वो स्टडी रहेगी, यानी समान रहेगी, एकदम ऐसे नहीं कि ज़्यादा बढ़ गई या फिर घट गई। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट स्टेज आपकी आएगी, वो कहलाती है फोर्थ फेज ऑफ पॉपुलेशन साइकिल एंड विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्टेग्नेशन और एन एक्चुअल डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ डेथ्स ओवर बर्थ। यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होती है और बर्थ रेट कम होती है, तो यहाँ की पॉपुलेशन एकदम एक्चुअली डिक्लाइन होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डोपामीन इज ऑप्शन ए अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट, ऑप्शन बी अल्फा एंड बीटा 1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी अल्फा एगोनिस्ट एंड ऑप्शन डी बीटा एगोनिस्ट। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि अल्फा एंड बीटा 1 एगोनिस्ट। फ्रेंड्स डोपामीन इज डोपामिनर्जिक एज वेल एज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और ये बोथ अल्फा एंड बीटा वन एगोनिस्ट होता है, जबकि ये बीटा टू एगोनिस्ट नहीं होता है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन एनाफाइलैक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइसेस, एनाफाइलैक्टिक शॉक में इनमें से कौन सी ड्रग दी जाती है, सबसे बेस्ट ड्रग है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन बी मोरफिन सल्फेट आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन सी अमीनोफाइलिन आईवी इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी फ्यूरोसिमाइड आईवी इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन। जब कभी भी एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है तो वहाँ पे एड्रेनलिन को दिया जाता है। फ्रेंड्स एड्रेनलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड इट इज गिवन एज 0.5 ml ऑफ 1:1000 सोल्यूशन, यानी 0.5 मिलीग्राम की डोज में दिया जाता है। फ्रेंड्स इंट्रामस्कुलर रूट ऑन लेटरल थाई इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सबक्यूटेनियस साइट्स, इसलिए इसको जनरली इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। और फ्रेंड्स आयु रूट इज अवॉइडेड बट कैन बी यूज रेयरली इन मच लोअर कंसनट्रेशन, यानी कभी कभी आईवी रूट से भी इसको हम बिल्कुल कम कंसनट्रेशन में दे सकते हैं, और वो कंसनट्रेशन रहती है 1:10,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सीक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज, इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क को सीक्रेशन करने और या फिर उसके रेगुलेशन में काम में आता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी FSH, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि प्रोलैक्टिन। फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन इज नेसेसरी फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क by the cells of the alveoli and the level of prolactin in the blood increases markedly during pregnancy। जब कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड के अंदर एकदम बढ़ता है एंड इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी टिश्यू इन प्रिपरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे कि माँ के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एन एंटी प्रोटोजोवल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटी प्रोटोजोवल ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रैचनिन, ऑप्शन बी क्यूनिडीन, ऑप्शन सी एकोनिटीन एंड ऑप्शन डी क्विनीन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को मालूम ही होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि क्विनीन। फ्रेंड्स क्विनीन इज आइडेंटिफाइड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सिनकोनाबार्क इन 1820 एंड इट इज स्टिल यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मलेरिया थेरेपी। ये मलेरिया में काम में आती है, और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो यह एक प्रकार की आपकी एंटी प्रोटोजोवल ड्रग हो गई। नेक्स्ट बात करें हम स्ट्राइसनिन की, तो इट इज़ कार्डियक रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट एंड इट आल्सो एक्ट एज एन एनालेप्टिक्स। इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज रोडेंटिसाइड्स, इसको सबसे पहले रोडेंटिसाइड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूनिडीन की, तो ये आपकी एक प्रकार की एंटी रिदमिक ड्रग्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटी प्रोटोजोल ड्रग के रूप में आपका जो आंसर रहेगा वो क्यूनिन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी कोलेसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी क्लिटोरेक्टोमी एंड ऑप्शन डी वेसेक्टोमी। तो फ्रेंड्स फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड को इसमें से क्या कहा जाता है, यानी फीमेल के अंदर ऑपरेशन करके उसका बांझपन लेके आते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो फर्दर फ्यूचर में, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फॉर वुमेन आर कॉल्ड ट्यूबल लिगेशन और ट्यूबेक्टोमी एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फॉर मेन इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, मेन के लिए तो वेसेक्टोमी टर्म यूज में आता है, और फीमेल का अगर स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसके लिए ट्यूबल लिगेशन या ट्यूबेक्टोमी वर्ड यूज में आता है। फ्रेंड्स ट्यूबेक्टोमी इज आल्सो नोन एज ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन एंड इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन एंड इट इज सर्जिकल प्रोसेस दैट ब्लॉक द फैलोपियन ट्यूब्स देयरबाय प्रिवेंटिंग द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। ये आपका एग को यूटेरस तक नहीं जाने देगा, क्योंकि वहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती उसको ये ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपका एग ओवरी से यूटेरस में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बीटर्स आर थेरेप्यूटिकली यूज्ड एज, बीटर्स का इनमें से कौन सा थेरेप्यूटिक यूज है? ऑप्शन ए एंटी फंगल एजेंट, ऑप्शन बी एंटी अमीबिक एजेंट, ऑप्शन सी एंटी मलेरियल एजेंट एंड ऑप्शन डी एपेटाइजिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स बीटर्स का यूज़ क्या आता है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि एपेटाइजिंग एजेंट्स। फ्रेंड्स, बिटर कैन फैसिलिटेट स्टोमक एसिड एंड एक्ट एज डाइजेस्टिव एड and this can not only ease the indigestion but also it help in heartburn, nausea, cramping, bloating and gas. Next question देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। काला आजार इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन ए सिस्टोसोमियासिस, ऑप्शन बी हेलमेंथियासिस, ऑप्शन सी लिस्मानियासिस एंड ऑप्शन डी जियार्डियासिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि लिस्मानियासिस। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लिस्मानियासिस की तो दीज आर ए ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स एंड दीज पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबेटोमिन सैंडफ्लाई, जो कि एक प्रकार का छोटा सा इंसेक्ट वेक्टर है जिसकी साइज 2 से 3 मिलीमीटर रहती है, यानी ये सैंडफ्लाई की वजह से होता है। और इसका क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिस्मानियासिस का वेक्टर क्या है, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा फ्लेबेटोमिन सैंडफ्लाई। फ्रेंड्स देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लिस्मानियासिस। सबसे पहली आती है आपकी क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, सेकेंड रहती है विसरल लिस्मानियासिस जिसका दूसरा नाम है कालाजार एंड थर्ड रहती है म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मानियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डिटॉल इज यूज्ड एज ऑप्शन ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक एंड ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। तो फ्रेंड्स डिटॉल का यूज़ जनरली किस में ही काम में लिया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तो जनरली ये किल करते हैं माइक्रोब्स को। अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट की तो फ्रेंड्स अगर कोई इनएनिमेट सरफेस या फिर नॉन लिविंग सरफेस पे अगर हमें माइक्रोब्स को किल करना रहता है तो वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ में लेंगे वो रहेगा डिसइंफेक्टेंट। और अगर कोई लिविंग सेल्स या लिविंग थिंग्स पर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी काम आएगी वो रहेगी एंटीसेप्टिक। फ्रेंड्स अगर हम बात करें डिटॉल के बारे में तो द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन डिटॉल दैट कन्फर्म इट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इज क्लोरोजाइलिनोल एन एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है C8H9ClO। तो फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो डिटॉल की होती है वो क्लोरोजाइलिनोल की वजह से होती है। फ्रेंड्स क्लोरोजाइलिनोल कंप्राइजेस 4.8% ऑफ डिटॉल्स टोटल एटमिक्सचर with the rest made up of pine oil, isopropanol, castor oil, soap and water. And Dettol antiseptic wash contain the active ingredient benzalkonium chloride. जो आपका Dettol antiseptic wash होता है उसके अंदर active ingredient benzalkonium chloride होगा और जो आपका Dettol normal solution होता है उसके अंदर आपका antiseptic property वाला ingredient रहेगा, उससे हम chloroxylenol कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एन एंटीबायोटिक पजेजिंग एंटी फंगल एक्शन इज। इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि एंटी फंगल एक्शन रखती है यानी फंगस को किल करने में काम में आती है? ऑप्शन ए केनामाइसिन, ऑप्शन बी ग्रिसियोफल्विन, ऑप्शन सी रिफाम्पिसिन एंड ऑप्शन डी एमिकेसिन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि ग्रिसियोफल्विन। फ्रेंड्स ग्रिसियोफल्विन इज ए हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन डेरिवेटिव। It is fungistatic for most dermatophytes including epidermophyton and trichophyton. It is used orally and its oral absorption is increased by fatty meal. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अगर फैटी मील लेते हैं तो इनमें से कौन सी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो ग्रिसियोफल्विन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेटम कोर्नियम एंड एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूबुल फंक्शन इन डर्मेटोफाइट्स। It is used for dermatophytes of skin and hair because it get concentrated in keratin. Keratin के अंदर ये concentrate हो जाती है, इसीलिए इसका यूज जो dermatophytes यानी skin disease में रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The heterocyclic ring system present in isoniazid. यानी इनमें से कौन सा heterocyclic ring system isoniazid में पाया जाता है? ऑप्शन ए pyridine X, ऑप्शन बी पिरिमिडीन, ऑप्शन सी पायरोलिडीन एंड ऑप्शन डी पिरिडीन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि पिरिडीन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें आइसोनियाजाइड की स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके से होता है और अगर इसका हम IPAC नेम देखें तो वो रहेगा आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड या फिर पिरीडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड, यानी इसके अंदर जो ये आपकी बेंजीन रिंग है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पिरीडीन रिंग, और यही रिंग आपकी आइसोनियाजिड में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपका NH-NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसी वजह से इसके अंदर जो नाम आया आपका वो है हाइड्राजाइड। अगर पिरीडीन रिंग के अंदर फोर्थ नंबर पे COOH ग्रुप रहता तो उसे हम बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड, और वहाँ पे COOH ग्रुप नहीं रह के वहाँ पे CONHNH2 आ गया तो वहाँ पे आपका हो गया आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। केमिकली फ्यूरोसिमाइड इज ऑप्शन ए 4 क्लोरो N-पिरिडिल 5 सल्फोमोइल एंथ्रेनिलिक एसिड, ऑप्शन बी 4 क्लोरो N-फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड, ऑप्शन सी 4 फ्लोरो N-पिरिडिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड, ऑप्शन डी 4 फ्लोरो N-फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर याद रहना ज़रूरी है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 क्लोरो N-फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। फ्रेंड्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्यूरोसिमाइड की तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और अगर हम बात करें एंथ्रेनिलिक एसिड की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, यानी 1 और 2 पे COH और NH2 ग्रुप रहता है। तो फ्यूरोसिमाइड के अंदर जो आपका 4th पोजीशन है वहाँ क्लोरो रहेगी, और 5th पोजीशन है वो जो SO2 NH2 ग्रुप है उसको हम सल्फामोइल ग्रुप कहेंगे। यहाँ पे N जो आपका एंथ्रेनिलिक एसिड है उसके नाइट्रोजन एटम पर फरफरिल ग्रुप लगा हुआ है, फिर N के साथ में अगर CH2 ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलते हैं फरफरिल ग्रुप। तो इसी वजह से इसका जो केमिकल नेम आ जाएगा वो रहेगा 4 क्लोरो N-फरफरिल 5 सल्फामोइल एंथ्रेनिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्लोरोक्वीन एन एंटीमलेरियल ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ, ऑप्शन ए 9 अमीनोक्विनोलिन, ऑप्शन बी 8 अमीनोक्विनोलिन, ऑप्शन सी 4 अमीनोक्विनोलिन एंड ऑप्शन डी एक्रीडिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोरोक्वीन आपकी किस कैटेगरी की ड्रग रहेगी तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 अमीनोक्विनोलिन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्लोरोक्वीन के स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये फ्रेंड्स जो 2 आपकी बेंजीन रिंग है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं क्विनोलिन रिंग, और इसके 4th पोजीशन पे NH ग्रुप लगा हुआ है, यानी 4th नंबर पे आपका अमीनो ग्रुप अटैच है, तो इसी वजह से इसको हम 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लोरोक्वीन इज 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव एंड अदर एग्जाम्पल्स आर एमोडियाक्वीन, सेंटोक्वीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एक्सपेक्टोरेंट एंड ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि एंटीसेप्टिक। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोफ्लेविन की या फिर डाई अमीनो एक्रीडिन की तो इट इज एन एक्रीफ्लेविन डेरिवेटिव, ए डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियोस्टेटिक अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि आपका एक्रीडिन रिंग हो गई, अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाए और उसमें बीच वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम हेट्रो एटम के रूप में बन जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्रीडिन रिंग, और इसमें 2 अमीनो ग्रुप आपके दोनों तरफ जुड़े हुए हैं NH2 NH2, इसलिए इसका नाम हो गया डाई अमीनो एक्रीडिन। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज, ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटी एलर्जिक, ऑप्शन सी हिप्नोटिक एंड ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।